कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमपीपीजी महाविद्यालय हल्द्वानी की नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लामगढ़िया के विजय जुलूस को प्रशासन ने निकलने से पहले ही रोक दिया। हल्द्वानी के जिस बैंकट हॉल से रेशमी का विजय जुलूस शहर में निकाला जाना था, प्रशासन ने वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी। रश्मि का समर्थन कर रहे पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पहली बार इतिहास रचते हुए किसी निर्दलीय छात्रा ने एमपीपीजी के अध्यक्ष पद पर भारी मतों से चुनाव जीता है और ये बात सत्ता दल के लोगों को पच नहीं रही है, लिहाजा प्रशासन और पुलिस के दबाव पर उनके विजय जुलूस को रोका जा रहा है और पुलिस ने चिन्हित तो उनके कई साथियों को हिरासत में भी लिया है। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को हुए छात्र संघ चुनाव में 11,000 छात्रों वाले एमपीपीजी कॉलेज में एवीबीपी और एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रत्याशी को धूल चटाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि ने बड़े अंतराल से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। इसके बाद रश्मि के समर्थन में आए सैकड़ों छात्र छात्राएं विजय जुलूस निकालना चाह रहे थे, जिसे प्रशासन ने बैंकट हॉल में ही रोक दिया है। उधर प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि इनको कोई अनुमति नहीं थी, लिहाजा जुलूस को यहीं रोक दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार हमने देखा एमबीपीजी महाविद्यालय में एक निर्दलीय छात्रा प्रत्याशी ने इतिहास रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करी और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी एबीपी के प्रत्याशी को जिस तरह से बुरी तरह से पटकनी दी, उसके हार का बदला लेने के लिए आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हो गई है। छात्राओं का दमन करने पर उतारू हो गई है। जिस प्रकार देखा गया पूरा यहाँ पर बैंकेट हॉल के बाहर प्रशासन इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से छावनी पर बदल गया था, पूरी तरह से छात्र छात्राओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, परंतु छात्र छात्राओं के दबाव और छात्र शक्ति को देखते हुए प्रशासन ने अंततः जाने की अनुमति दी छात्र छात्राओं को। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया छात्रों को और जो मारपीट भी हुई है। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा एक एक कर चिन्हित कर मुख्य मुख्य लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उठाया जा रहा था, जिसको छात्र शक्ति को देखते छात्रों के दबाव में उन्हें पुनः वापस किया, उन्हें वापस भेजा गया है दोबारा। वो आज हमारे साथ थे और अभी छात्रों की भीड़ के साथ वो सब दूसरे बैंक हॉल पर गए हैं जहाँ हमारा पार्टी का आयोजन किया गया। ये एमपीपीजी कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ था और आज बिना अनुमति के इनके द्वारा इस स्थान से बैंकेट हॉल से जो है जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी या छात्रों के द्वारा, लिहाजा ये जो है विजय जुलूस को यहीं पर रोक दिया गया।